गाय और हिंदुओं के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर एक शिक्षिका साइकिल से हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई है। उसका ताज नगरी आगरा में गौरक्षा क्रांति के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। शिक्षिका माधवी लता हैदराबाद से अकेले ही साइकिल पर सवार होकर पीएम मोदी के पास जा रही हैं। वे दिल्ली में पीएम मोदी से गाय और हिंदुओं की रक्षा के लिए कानून बनाने की अपील करेंगी। हैदराबाद के छोटे से गांव की शिक्षिका माधवी लता ने गाय और हिंदुओं की रक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की। वो साइकिल से 16 नवंबर 2020 को रवाना हुई थी। करीब एक महीने से अधिक दिनों की यात्रा करने के बाद वे ताज नगरी आगरा पहुंची। यहां गौरक्षा क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ माधवी का जोरदार स्वागत किया। माधवी ने बताया कि उन्होंने गाय और हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार को देखकर पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से मिलने की सोची थी। इसके बाद वो अकेले ही साइकिल से निकल पड़ी। अब तक वो साइकिल से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी हैं। माधवी का कहना है कि वो पीएम मोदी से मिलकर कानून बनाने के साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग भी करेंगी। मैं हैदराबाद के सामने एक विमलावाड़ा नाम का गांव से मेरी साइकिल यात्रा स्टार्ट की है। तो कहाँ जा रहे हो आप? माननीय मोदी जी के मिलने दिल्ली जा रहा था। क्या उद्देश्य आपके मकसद से जा रहे हो? तीन उद्देश्य है मेरा। एक, हिंदू पर अत्याचार बहुत होते हैं ना, वो बंद करने के लिए हिंदू अट्रैसिटी कानून पार्लियामेंट में डालना, और गोमाता के साथ भी बहुत अत्याचार होते हैं ना, वो बंद करने के लिए गोमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना, और घर घर देश में पूरा देश में उनको अच्छी तरह से यूज़ करना, उनके गोबर को यूरिया तरह यूज़ करें तो केमिकल वाला फूड खाने को हम बच सकते हैं ना। इसे गोमाता को अच्छी तरह से पूरे देश में यूज़ करना चाहिए। ओ, और थर्ड, मंदिर वाले पैसे, कमाने वाले पैसा फंडिंग के लिए आती है ना, वो पैसा वो सब वेस्ट हो रहा है। मंदिर को कमाने वाले पैसा हिंदू को खर्च करना चाहिए। पूर पीपल इतना महंगा होते हैं, उनके लिए भगवान के दर्शन करना, वो दर्शन टिकट निकालना है, वो अर्चन टिकट सब टिकट्स निकाल कर उनको खाना फ्री में देना है। हिंदू को भी खर्च करना चाहिए, इसके लिए वो प्राइवेट करना जरूरी है। ये तीनों विषय में मोदी जी को विनती करने के लिए जा रहा था। कब चले आप अपने वहाँ से? कब चले? 16 नवंबर से मेरे यात्रा स्टार्ट हुई। कितने दिन की यात्रा है आपकी? कितने नहीं जा रहा था, आज से 35 डेज हो गई। कब तक पहुँचोगे दिल्ली आप? और 5 दिन लगेगा, इधर से 200 किलोमीटर है ना। ये विचार आपके मन में कैसे आया? हमारे साइड में, हमारे आंध्र तेलंगाना में ज़्यादा अत्याचार हो रही है, बहुत गंदे गंदे काम हो रहे हैं, मूर्ति को तोड़ता है, मंदिर को तोड़ती है, इसलिए मेरा हम लोग नाराज हो रहे हैं उनकी वजह से। तो आप अकेले ही जा रहे हो? मैं अकेले, मेरे साथ आने को कोई को हिम्मत नहीं है। मैं कोई लोगों से पूछा, वो जाने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मैं अकेले। क्या करते हो आप? जैसे करते क्या हो? सर्विस मैन हो? कौन हो? मैं एक स्कूल चलाती था, स्कूल अध्यापिका हूं। गौरक्षा क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र मुखिया ने माधवी लता के आगरा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान ज्ञानेंद्र ने कहा है कि उन्हें माधवी जैसी महिलाओं पर गर्व है जो गाय और हिंदुओं की रक्षा के लिए सोचती हैं। उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए अकेले ही सड़क पर निकल पड़ती हैं। ज्ञानेंद्र मुखिया ने उम्मीद जताई है कि माधवी को गाय और हिंदुओं की रक्षा के लिए कानून बनाने की मांग में सफलता मिलेगी। मैं ज्ञानेंद्र मुखिया, गौरक्षा क्रांति से राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारी बहन माधवी लता जो कि हैदराबाद से चलकर अपने हिंदू भाइयों को जागृत करने के लिए साइकिल यात्रा, जिसे मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना है कि अपनी हिंदू संस्कृति और अपनी गाय माता और मातृशक्ति और अपने भारतवर्ष में जितने भी मंदिर हैं उनको सुरक्षित करने के हेतु वहाँ से हैदराबाद से चलकर दिल्ली जा रही हैं। ऐसी मातृशक्ति को मैं हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूँ और तहे दिल से इनका सहयोग करता हूँ। जिसमें भी मेरी बहन को जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी मैं अपनी बहन के साथ खड़ा हूँ, अपनी हिंदू बहन बेटियों के साथ खड़ा हुआ हूँ। और इनका सम्मान आज हमारे गौरक्षा क्रांति के संगठन मंत्री प्रमोद लमानिया जी के माध्यम के द्वारा गांव ककुआ पर हुआ, उनकी मार्केट पर,
और ऐसी मातृशक्ति से मुझे ही प्रेरणा मिली कि वो इतनी दूर चलकर अपने हिंदू धर्म की रक्षा हेतु, अपनी हिंदू संस्कृति की रक्षा हेतु, अपनी गाय माता की रक्षा हेतु, अपने धर्म की रक्षा हेतु वो निकली हैं। ऐसे संकल्प को लेकर मैं उनसे प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि उनका संकल्प पूरा हो। जय गो माता की, जय गो रक्षा क्रांति। देश के कई क्षेत्रों में गाय और हिंदुओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने के मामले आ रहे हैं। इसको लेकर अक्सर लोग आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन इस आवाज को बुलंद करने वालों को अब तक उतनी सफलता नहीं मिल सकी है जितनी उम्मीद बीजेपी और मोदी की सरकार से लोगों को हो रही है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब गाय और हिंदुओं की रक्षा के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर शिक्षिका माधवी को कितनी सफलता मिल पाती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।